अमृता को पढ़ना जैसे सूफी समंदर में गोते लगाना। दोस्तों, अक्सर मैं आपसे अमृता जी की बातें करती रहती हूँ और आज फिर मैं कुछ छोटी छोटी सी बातें, उनकी छोटी छोटी सी किस्से मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे हर बार जब भी मैं उनको पढ़ती हूँ तो उनका एक नया चेहरा मेरे सामने आता है, एक नया फलसफा मुझे जानने को मिलता है। एक बार अमृता जी से पूछा गया कि जिंदगी में उन्हें किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, जिंदगी में उन्हें किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि 1961 में जब मैं पहली बार रूस गई थी, तब तजाकिस्तान में एक मर्द और एक औरत से मिली जो एक नदी के किनारे लकड़ी की कुटिया बनाकर रहते थे, और औरत की नीली आँखें और मर्द की काली आँखों में सन सन जी हुई इश्क का जलाल था। पता चला कि अब 60-70 वर्ष की उम्र में भी वो पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, एक दस्तावेज है इश्क का। मर्द की उठती जवानी थी जब वह किसी काम से कश्मीर से यहाँ आया था, और उसकी नीली आंखों वाली सुंदरी की आंखों में खोकर के वहीं रह गया और कभी कश्मीर नहीं लौटा। वे दो देशों की नदियों की तरह मिले और उनका पानी एक हो गया। वे यहीं एक कुटिया बना करके रहने लगे। अब ये कुटिया उनके इश्क की दरगाह है। कितनी प्यारी बात है। अब ये कुटिया उनके इश्क की दरगाह है। औरत माथे पे स्कार्फ बांधकर और गले में एक चोगा पहनकर जंगलों में पेड़ों की देखभाल करने लगी, और मर्द पट्टी का कोट पहनकर आज तक उसके काम में हाथ बटाता है। वहाँ मैंने हरी कुटिया के पास बैठकर उनके हाथों उस पहाड़ी के नदी का पानी पिया और एक मुराद भी मांगी थी कि मुझे उन जैसी जिंदगी की नसीब हो। ये खुदा के फजल से कहूँगी कि मुझे वह मुराद मिली है। एक और छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो अमृता और इमरोज़ के बीच की है। एक बार किसी ने इमरोज़ से पूछा कि आप जानते थे अमृता जी साहिर से दिली लगाव रखती हैं और साजिद को भी वो बहुत प्यार करती हैं, आपको ये कैसा लगता था? इस पर इमरोज़ जोर से हंसने लगे और बोले कि अगर वो साहिर को पा लेती तो मैं उसको नहीं मिलता। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि तुम तो मुझे ज़रूर मिलती, चाहे मैं तुम्हें साहिर के घर से निकाल के नहीं लाना पड़ता मुझे। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो रास्ते में मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन उन्हें गिना नहीं करते। मुझे मालूम था कि अमृता साहिर को बहुत चाहती है, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि मैं अमृता को बहुत चाहता हूँ। साहिर के साथ अमृता का रिश्ता मिथ्या व मायावी था, जबकि मेरे साथ उसका रिश्ता सच्चा है, हकीकी है। वह अमृता को बेचैन छोड़ गया और मेरे साथ वो संतुष्ट हैं। ये बात उन्होंने एक बार मेरे साथ मुलाकात में भी कही थी कि अमृता मेरे साथ बहुत संतुष्ट है, लेकिन साहिर के साथ वो बहुत बेचैन रहती थी, क्योंकि अमृता जितना उनको प्यार करती थी, साहिर में वो चीज़ दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने एक और किस्से को बयां किया। जब गुरुदत्त ने मुझे नौकरी के लिए बुलाया तो मैं अमृता को बताने गया। अमृता कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने मुझे कहानी सुनाई। ये कहानी दो दोस्तों की थी। इसमें से एक दोस्त बहुत खूबसूरत था और दूसरा कुछ खास नहीं था। बहुत खूबसूरत लड़की बहुत खूबसूरत दोस्त की तरफ आकर्षित हुई। वह लड़का अपने दोस्त की मदद से उस लड़की का दिल जीतने की कोशिश करता है। उस लड़के का दोस्त भी उस लड़की को बहुत प्यार करता है, पर अपनी सूरत की वजह से कभी उसे कुछ कह नहीं पाता। आखिरकार उस खूबसूरत लड़की और उस खूबसूरत लड़के की शादी हो जाती है। इतने में जंग छिड़ जाती है और दोनों दोस्तों को लड़ाई में भेज दिया जाता है। लड़की का पति उसका नियमित रूप से खत लिखता है, लेकिन वे सारे खत अपने दोस्त से लिखवाता है। कुछ दिन बाद लड़ाई के मैदान में उसकी मौत हो जाती है और उसके दोस्त को जख्मी हालत में लेके आया जाता है। लड़की अपनी पत्नी के दोस्त से मिलने जाती है और अपने पति के खत उसको दिखाती है। दोनों खतों को पढ़ने लगते हैं, तभी बिजली चली जाती है, पर उसके पति का दोस्त उन खतों को अंधेरे में भी पढ़ रहा है। और चूंकि वो खत तो उसी ने लिखे हुए हैं, उसको जवानी जाते लड़की सब समझ जाती है, पर उस दोस्त की तबीयत भी बिगड़ जाती है और वो भी दम तोड़ देता है। उसके बाद लड़की कहती है कि मैंने एक आदमी से प्यार किया, लेकिन उसको दो बार खो दिया। आप यहाँ इस बात की इंटेंसिटी देखिए, गहराई देखिए कि
वो प्यार तो कर रही थी लेकिन उसको दो लोग प्यार कर रहे थे, तो उसने दो लोगों को खो दिया लेकिन प्यार एक बार किया। ये वो कहना चाह रही है कि मैंने एक आदमी से प्यार किया लेकिन उसको दो बार खो दिया। इमरोज ने यही कहा कि अमृता ने सोचा था कि मुझे कहानी का मर्म समझ में आ गया, पर मैं समझ गया था कि वे कहना चाहती थी कि अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो और जो चले जाते हैं वो आसानी से वापस कहाँ आते हैं। जब इमरोज मुंबई पहुंचे तो तीसरे ही दिन अमृता को खत लिख दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो मैं अमृता को हमेशा के लिए खो दूंगा। इमरोज ने कहा कि बताया कि अमृता ने कभी भी अपने प्यार को खुले शब्दों में इजहार नहीं किया था और मैंने भी कभी अमृता जी से अपनी प्यार के बारे में कुछ नहीं बोला कि आई लव यू, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं बोला। एक मैं आपसे उनकी नज़्म शेयर करना चाह रही हूँ। ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है, ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी, चिंगारी तूने दे दी थी, ये दिल सदा जलता रहा, वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा, 14 मिनट हुए हैं इसका काता देखो, 14 साल ही हैं इस कलम से पूछो, मेरे इस जिस्म में तेरा सांस चलता रहा, धरती गवाही देगी धुआं निकलता रहा, उम्र की सिगरेट जल गई मेरे इश्क की महक, कुछ तेरी सांसों में कुछ हवा में मिल गई, देखो ये आखिरी टुकड़ा उंगलियों में से छोड़ दो, कहीं मेरे इश्कुए की आँच तुम्हारी उंगली को छू न जाए, जिंदगी का अब गम नहीं इस आग को संभाल ले, तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ अब और सिगरेट जला ले। दोस्तों मैं भी उन बातों को जब आपको बताती हूँ तो एक तरह से खो जाती हूँ। एनीहाउ आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे अपनी राय ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।